मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च महीने में घोषणा किया था कि प्रदेश के नए जिले के रूप में मऊगंज 15 अगस्त से अस्तित्व में आएगा। घोषणा के अनुसार समय सीमा पर जिला गठित करने की प्रक्रिया पूरी की गई। द खबरदार न्यूज की टीम पहुंची मध्य प्रदेश के नए जिला मऊगंज, जहां युवाओं से बात कर जिले के परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिदृश्य पर सुनिए क्या कहा मऊगंज के युवाओं ने। मैं हूँ आशुतोष, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मैं आज मध्य प्रदेश के तिरपनावा जिला मऊगंज पहुंच चुका हूं। मऊगंज अभी नया नया जिला बना है, हमारे साथ कुछ युवा है, मैं उनसे जानूंगा कि मऊगंज नया जिला कैसा लग रहा है, इनको क्या सुविधाएं मिल रहा है। भाई साहब आपका परिचय। मेरा नाम अभिनेत्री है। अगर मऊगंज जिला बनेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, अच्छी बात है, बनना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे शिक्षा में बहुत से बदलाव भी होने चाहिए। नहीं, मऊगंज जिला बन गया है, मऊगंज आप लोग लिखना चालू कर दिए हैं, क्या कुछ सुविधाएं बदली हैं पहले से अभी में, कुछ अंतर हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ फिलहाल। सड़क बिजली पानी को लेके क्या समस्याएं थी, वो सुधर चुकी हैं या सुधर रही हैं? जब से यहाँ का जो ये जिला बना हुआ है तब से हमारे लाइट की व्यवस्था जो है हमारे हनमला ग्रामीण में बहुत यानी कि कम हो गया है। अब बिजली का बहुत कम ही बिजली नहीं रहती है। हाँ, बहुत कम। और गांव का आपका घर गांव में है या नगर परिषद में? नगर परिषद में। तो सड़क की व्यवस्था कैसी है? सड़क अभी वहाँ की बेकार परिस्थिति है, पहले सही थी लेकिन अभी बेकार। सरकार कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? APS। ये कहाँ पे है? हनुमाना में, नाला के सामने। नाला के सामने। वहाँ की पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था वहाँ की ठीक है, अभी मैं कुछ बहुत दिनों से भी गया नहीं कॉलेज, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। और कुछ नया आपको जो आपकी इच्छा हो कि मऊगंज जिला नया बना चाहिए, होना चाहिए यहाँ पे? मऊगंज जिला बना है तो उसके लिए हमारे लिए सुविधाजनक ही होना चाहिए, जन समाज का कल्याण होना चाहिए। सर्वप्रथम लोगों से सरकार से यह पूछना चाहिए कि उनको क्या चीज़ की आवश्यकता है, और मेरे मत से जो अभी लाडली बहनों का योजना किया गया है उसको जो करे हैं वो अपने मत से बहनों के लिए ठीक किए हैं, लेकिन उन्हें सरकार को मेरे मत से जो वो पैसा इतना खर्चा कर रहे हैं उस पैसे को यदि किसी उद्योग कारखाने को अगर हमारे क्षेत्र में डाल दें तो हमारे स्थान का महत्व बढ़ जाए, जिस तरह मुंबई जैसे महानगरों का। तो आपके मऊगंज जिले में कोई ऐसा उद्योग है जिससे आप लोगों को रोजगार मिले, नए युवक जो पढ़ाई करके बीते और कर आ रहे हैं तो रोजगार मिल रहा, ऐसा कोई उद्योग है? इसके बारे में भी जानकारी नहीं। तो आपने देखा कि हमारे साथ कुछ युवक थे जिन्होंने बताया कि मऊगंज जिले में कैसी सुविधाएं मिल रही है, और भी आगे आपको बताएंगे। ये भी हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे मैं जानूंगा कैसा लग रहा है नया मऊगंज जिला बना, क्या कुछ सुविधाएं पहले से हमें अंतर हुआ है। मऊगंज जिला बन गया, अभी कुछ नहीं दिखा, बस यही रोड बन रहा है। अच्छा जी, आपके विधायक जी कौन है जानते हैं आप? कैसा रहा उनका कार्यकाल? तो अभी फिर से चुनाव होना है और भाजपा ने उनको फिर प्रत्याशी बनाया, क्या चाहेंगे आप वोटर हैं, आप किसको वोट करेंगे? आप एक किस मुद्दे पे वोट करेंगे आपको पता होना चाहिए ना, आप वोट करने जा रहे हैं, नए युवक हैं, इसके पहले आपने विधानसभा में कभी वोट किया है? वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, अपने जिले में सफाई रखनी चाहिए, जो करेगा उसको वोट देंगे, जो ये सब मांगे पूरी करेगा हम उसको वोट देंगे। और कुछ नया आसपास जो ये सारी व्यवस्थाएँ फैली हैं तो इस पर कुछ कहेंगे प्रशासन? हम यहाँ पर सामने मेरे कॉलेज से अजय कॉलेज की कैसी व्यवस्था है, सामने कैसी गया था शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ के अंदर? शिक्षा में तो ठीक है लेकिन यहाँ की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा व्यवस्था है लेकिन बाकी व्यवस्थाएं नहीं है। पानी वानी पीने का कैसा रहता है? पानी वहाँ से किलोमीटर दूरी आना पड़ता है पानी। नहीं, आपके घर में आपके गांव में क्या व्यवस्था है? गाँव में पानी बिजली सड़क सारी सुविधाएं मिलेगी? पानी नल जल योजना में सुधार होता है, नल जल योजना तो खड़े पानी बताया था पानी नहीं है। दो साल हो गया, कब से पाइप बिछी है? दो साल हो गए पाइप बिछी, और आपके यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, तो कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की, पूछना नहीं चाहा सरपंच सभी या आपके और अधिकारी SDM है, जनपद CEO है, जनपद कर्मचारी कोई नहीं सुनता? और कुछ आपको शासन से कोई आए प्रदीप पटेल हैं तो कभी आते नहीं हैं गांव में,
कौन से गांव से हैं आप? ढाबाती बलियान हनुमना के पास। तो विधायक जी कभी आपके पास नहीं आते? तो अब तो चुनाव आ गया, आप तो आएंगे वोट मांगने? आप तो आएंगे, आप दिखेंगे ना? आप दिखेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? आप कहेंगे कि आप देख लीजिए यहाँ क्या है, कैसी व्यवस्था है, बाद आपको वोट मिलेगा। चलिए, हमारे साथ और भी युवा हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं जिले में। इधर आओ, इधर आओ। आज का अगर वर्तमान युग देखा जाए तो यहाँ से इसमें कुछ बहुत इधर उधर अरे उधर ये कॉलेज है, नया कॉलेज है हमारे सामने, कॉलेज है शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय। अभी कुछ छात्रों ने बताया कि यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है लेकिन बाकी व्यवस्थाएं नहीं, इस पर क्या कहेंगे? इसी कॉलेज का मैं छात्र हूँ, शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय का। अगर मैं इसमें शिक्षा ले रहा हूँ तो कुछ शिक्षा का पहले भी अभाव था, जैसे जैसे करके जिला के उपरांत अगर देखा जाए इसमें विकास की गति हुई है। अगर कोई विषय इसमें अगर रखा जाए उसका भी इसमें निराकरण होता है। और भी हमारे साथ युवा हैं, भाई साहब नए जिले में क्या उपलब्धि मिल रही है? अब नए जिले में अभी तो उपलब्धि नहीं है, आने वाले समय में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, इससे पहले रोड की पोजीशन क्या थी, रोड की पोजीशन आज हम ये नहीं कह रहे रोड की पोजीशन अच्छी हुई है, पर अब धीरे धीरे बन रही है, आज नहीं कल फिर यही सब सही हो जाएगा। तो ये बताइए कि क्या नया जिला बनने के बाद ही रोड मिलनी चाहिए, क्या इसके पहले विधानसभा नहीं था? विधानसभा था, ये यहाँ के शासन करने वालों की कमी है, उसके पहले भी देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुआ आज से 5 साल दूसरा चुनाव आ गया, जो पार्टी जीती है तो उसे देना चाहिए, पहले रोड देना चाहिए और अंतिम में जब अब क्या हुआ दोबारा चुनाव होने वाला है, अब बताइए रोड दे रही है, जिला बनाइए, जिला दोबारा फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया, उनको फिर से प्रत्याशी बनाया गया। दूसरी बात ये सुनिए कि अगर जिला बना, इनको जिला शुरू में बनाना चाहिए था, 5 साल जब चुनाव जीते हैं जीतने के पहले इनको जिला बना के तब मॉडिफाई करते, तब दिखाते कि हमारे ये मॉडल है भाई, हमारी ये। तो आप ये बताइए कि अभी आपने कहा कि जिला 5 साल पहले ही बनाना चाहिए, जब चुनाव हुआ उसके पहले बनाना चाहिए, जिससे कि 5 साल मॉडिफाई हो सके। तो अभी तो ये बना दिए, अभी तो ये बोल रहे हैं कि हम मऊगंज के लिए कई करोड़ रुपए दे दिए हैं, मऊगंज में बहुत सारे ये योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे उद्योग केंद्र हम दे दिए हैं। जैसे विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी को पढ़ने की याद कब आती है? अंतिम में जब रिजल्ट आने वाला रहता है, उसे उसी तरीके से सिर्फ चुनाव का माहौल है। चुनाव के 1-2 महीने पहले ही जिला क्यों मिला? हम ये कहते हैं कि जिला हमें पहले मिलना चाहिए था, ठीक है 5 साल पहले चुनाव हुआ है, 2 साल बाद देते, चुनाव के 2 साल बाद भी जिला दे देते तो आज तक जिले का पोजीशन बन गया होता। अब जिला अंतिम में दिए हैं तो इसका क्या तात्पर्य, आप क्या समझते हैं? आज आपके मऊगंज जिले में आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ बदलाव होगा या फिर वही पुराना रहेगा? नहीं, बदलाव तो होगा, किस पार्टी में होता है वो अलग बात है, बदलाव होगा जी। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में पंजाब में आप न्यूज भी देखते होंगे और हो सकता है कि कई आप घूमने भी गए होंगे, तो कैसा देखते हैं, कैसा बदलाव है? नहीं, बदलाव तो ठीक है, हम दिल्ली भी आज से 2 महीने पहले गए थे, अब हमारा तो पहली बार जाना हुआ तो हमें तो अच्छा लगा, मतलब ये सब अपने मऊगंज से अच्छा, हाँ अपने मऊगंज से तो अच्छा लगा। तो अगर मान लीजिए आपको ये मौका मिले कि एक बार मध्य प्रदेश या आपके मऊगंज में आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए, तो आप लोग आप युवाओं की क्या पहल रहेगी? अब पहल ठीक रहेगी, उन्हें अगर उनका यही मॉडल यहाँ भी रहेगा तो नहीं, वो तो दिल्ली और पंजाब दोनों के मुख्यमंत्री कहते हैं भाई, अब यही मॉडल, अब वो पंजाब का रिजल्ट दिखा दें, तब दिल्ली देखिए छोटा सा जगह है, उसका मतलब जो एरिया एरिया कितना छोटा है आप जानते हैं दिल्ली का, अब वो पंजाब में अगर सही करके दिखाएं तब ये जरूर कोशिश किया जाएगा कि मऊगंज में या मध्य प्रदेश में दिया जाए मौका। तो आपने देखा कि हमारे साथ कई युवा थे और कई लोगों ने अपनी बात शेयर किया, आपको बताया कि क्या रहा इनका नए जिले में परिणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब